रानी सुनीति पर कृपा करते हैं। समय बीतने के पश्चात रानी सुनीति से एक दिन राजा उत्तानपाद का मिलन होता है। उसी समय माता सुनीति के गर्भ में गर्भ की स्थापना हो जाती है। क्या बात, जब एक सुंदर से बालक को समय आने पर माता सुनीति जन्म देती है। देवऋषि नारद जी ने उस बालक का नाम ध्रुव रखा। कहा कि हे माता, अपने अपने आपने अपने धैर्य को धारण करते हुए इस बालक को जन्म दिया है आपने, इसलिए इस बालक का नाम मैं ध्रुव रख देता हूं। क्या बात, क्या होता है, क्या बालक ध्रुव पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। कुछ दिन बाद उनके बाल सखा कहने लगे कि तुम्हारा बाप नहीं है, तुम बिना बाप के हो। अगर तुम्हारा बाप है तो कल मैं बताना कि कौन है, अपनी माता से पूछ कर आना। बालक ध्रुव अपने घर को आते हैं, कुटिया में आते हैं, माता से पूछने लगे, कहा कि मेरे पिताजी कौन है। माता जी, मेरे बाल सखागण मुझे मेरे पिताजी के नाम से चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है, तुम्हारा कोई पिता नहीं है। विवश होकर माता सुनीति ने बताया कि अयोध्या के राजा उत्तानपाद ही तुम्हारे पिताजी है। तो देखिए क्या होता है, ध्रुव राजमहलों में चले जाते हैं। वहां पर सिंहासन पर राजा उत्तानपाद और बगल में माता सुरुचि और बालक उत्तम ये बैठे हुए थे। जैसे ही सिंहासन पर अपने पिताजी के साथ में एक दूसरी स्त्री को देखते हैं, बालक ध्रुव मन ही मन में विचार करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माता नहीं है, ये कुमाता जैसी लग रही है। क्या बात, क्या कहना है, क्या? रिचो खट में घात होगा। हेलो दादी, श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल नेमिया, आप अपनी पूर्ण तैयारी के साथ मंच के समीप आ जाए। श्री सिद्धि विनायक बालक भजन मंडल नेमिया। बालक ध्रुव मन ही मन में ये विचार रहे हैं, क्या, कि अगर मैं सीधे अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाता हूँ तो कुछ अनर्थ मेरे साथ में ना हो जाए। रिचो खट में घात हो, क्योंकि अरे आसन में घात नहीं। अरे मौके से भर ले ये पापों को पाप नहीं। जो खट में घात हो आसन में घात नहीं। घात हो आसन में घात नहीं। घात हो आसन में घात नहीं। मौके से भर ले पापों को पाप नहीं। मौके से भर ले पापों को पाप नहीं। हम किसी को भी देखते हैं, पहली बार हम किसी को भी देखते हैं तो थोड़ा तो अंदाजा हम लगा लेते हैं कि हम किसी से बात करें तो रिजल्ट क्या निकलेगा। सुबह वही बालक ध्रुव सीधे जाकर अपने पिताजी की गोद में बैठ जाते हैं।
तो क्या होता है क्या? रानी सुरुचि लात मारकर बालक ध्रुव को नीचे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और कहा कि वे बालक गण राजा उत्तान पास की गोद में तुझे बैठना है तो पहले तुझे मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। पहले ये कैसे उसके बाद क्या जाना और देखिए आज समय क्या हो रहा है। बालक ध्रुव वहां से आ जाते हैं और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनका भजन करते हैं। सिद्धि विनायक भजन मंडल सिद्धि विनायक भजन मंडल आप पूर्ण तैयारी के साथ मंच के समीप सिद्धि विनायक भजन मंडल। बालक ध्रुव की तपस्या पर श्री हरि नारायण विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि पुत्र तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया गया, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक अयोध्या के राज सिंहासन पर राज करना, उसके बाद उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के नाम से तुम विख्यात हो गए होंगे। तो बालक ध्रुव क्या कहने लगे क्या मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा दिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा दिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने नाम तुम्हारा दिया है, हो पूछना है जो होता है। कहा क्या हो है जो मैं विष्णु से अपना तुम्हारा जानकार Yeah.